नमस्कार, एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मुख्य बाजार में कन्वर मेडिकल स्टोर के पास बिल्डिंग निर्माण के लिए बेसमेंट की खुदाई करते समय 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत ढहने से खुदाई कर रहे कई लोग दब गए। पुलिस फोर्स 2 JCB एक हाइड्रा से निकालने का प्रयास कर रही थी। स्वास्थ्य विभाग की 2 एम्बुलेंस भी मौजूद थी। कस्बे के लोग भी मलबा हटाने में अपने हाथ बटा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कस्बे के मुख्य मार्केट में व्यापारी दीपक गोयल होलसेल की किराना दुकान चला रहे थे। दीपक गोयल की रोड के दूसरी तरफ बिल्डिंग निर्माण के लिए बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। अचानक लगभग 3:30 बजे शिव अवतार गुप्ता की 2 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें बेसमेंट में खुदाई कर रहे कई लोग दब गए। शिव अवतार गुप्ता को बमुश्किल लोगों ने निकालकर बाहर निकाला और एम्बुलेंस से निजी अस्पताल बरेली भेज दिया और एक मिस्त्री को सही सलामत निकाला जा सका। NDRF और पुलिस की टीम ने क्रेन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद 3 मजदूरों को बाहर निकाला। पुलिस, PAC, नगर पंचायत के कर्मचारियों ने मिलकर JCB की मदद से मलबे को हटाया और करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद मलबे में दबे 3 मजदूरों को निकाला जा सका, जहां अस्पताल लाते वक्त 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 1 का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। UFT न्यूज 24 के लिए सूरज सागर की रिपोर्ट। कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में एक दुकान जो है बन रही थी, उसी दुकान के बगल में एक 2 मंजिला मकान था जो आज गिर गया। उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए, 3 लोगों को इसमें साधारण चोटें आई हैं और 3 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना थी। इसके संदर्भ में SDRF की मदद ली, स्थानीय प्रशासन की मदद ली, पूरा नगर पंचायत और PSC फायर सर्विस आदि की मदद ली गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया है। इसमें 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत क्रिटिकल है, एक व्यक्ति ठीक है और दूसरे व्यक्ति का भी इलाज चल रहा है। बाकी रेस्क्यू कार्य लगभग पूरा हो गया है और जो आसपास की बिल्डिंग है उनको भी एहतियातन तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यातायात जो मलबे के कारण जो है अवरुद्ध हो गया था उसको सही कराया।